दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के घर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के घर पर ईडी की छापामार कार्रवाई भी चल रही है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। कौन कौन से वो बड़े लीडर्स हैं, उनके कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, इसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि कुछ ही देर बाद 10 बजे आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है और कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए मंत्री आतिशी ने ये जानकारी भी साझा की थी कि वो आज सुबह 10 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस ईडी के खिलाफ। वो कुछ बड़े खुलासे करेंगे। उसके पहले ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के घर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रेड चल रही है। 10 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद है एनजी गुप्ता, उनके घर पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है जहां पर छापामार कार्रवाई चल रही है। राज्यसभा के सांसद एनडी गुप्ता, और ये पूरा जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। आम आदमी पार्टी नेताओं के घर पर ईडी की छापामार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। सीनियर नेताओं के यहां पर ईडी की रेड। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये ईडी की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई ये कार्रवाई की जा रही है, ये जानकारी मिल रही है। राज्यसभा के सांसद हैं एनडी गुप्ता, उनके घर पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। कुछ ही देर बाद 10 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और मंत्री आतिशी ने यह कहा था कि वो ईडी को लेकर कुछ एक्सपोज करने जा रही है, कुछ बड़े खुलासे करने जा रही है। और उसके पहले राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पहुंचती है ईडी की टीम और छापामार कार्रवाई यहां पर की जा रही है। लगातार जो सियासी घमासान है वो तो दिल्ली में जारी है। लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही है और लगातार ईडी और सीबीआई की जांच को घेरते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी, और उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि कई प्रतिक्रियाएं सामने आएगी। फिलहाल ये जानकारी, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की टीम मौजूद है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले ये खबर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, बड़ी जानकारी। कुछ ही देर बाद 10 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। इसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी आम आदमी पार्टी ने ईडी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, तमाम सवाल उठाए, और आज भी आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। कुछ ही देर का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के घर पर ईडी की टीम पहुंचती है सुबह, और ये बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। इसके पहले भी देखिए कई मामले सामने आए हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर हो, चाहे वो कथित शराब घोटाला मामले को लेकर हो, तमाम मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है। मनीष सिसोदिया, संजय राउत से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया गया, गिरफ्तारी हुई, और अब ये बड़ी जानकारी कि ईडी की टीम राज्यसभा के सांसद एनडी गुप्ता के घर पर इस वक्त मौजूद है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के घर पर इस वक्त ईडी की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। यह जानकारी मिल रही है कि 12 ठिकानों पर ईडी की टीम मौजूद है जहां पर छापामार कार्रवाई चल रही है। 12 ठिकाने हैं ऐसे जहां पर ईडी की टीम सुबह पहुंची और छापामार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसके पहले 12 ठिकानों पर पहुंच गई है ईडी की टीम। प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है मामले की जांच पड़ताल, और ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके पहले कई बड़े केसेस में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया गया, कई इस वक्त जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन, साथ ही मनीष सिसोदिया, संजय राउत, इनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए गए। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता एक बार फिर ईडी की रडार पर हैं। राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना होगा। और ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में ऐसे 12 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। दिल्ली में 12 ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापामार कार्रवाई की जा रही है। सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ये रेड पड़ी है। क्या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ईडी को, क्या कुछ सामने आता है, क्या खुलासे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए क्या कुछ सबूत मिलते हैं ईडी को, इस पर नजर रहेगी। लेकिन स्वाभाविक सी बात है दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो जाएगा। एक तरफ तो जहां दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में ठंड का कहर है, लेकिन सियासी पारा हाई है। सबसे पहले जी न्यूज आपको यह खबर दिखा रहा है,
आम आदमी पार्टी नेताओं के ठिकानों पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। सीनियर नेताओं के यहां पर ईडी की रेड, सीनियर नेता एनडी गुप्ता उनके घर पर इस वक्त ईडी की टीम है। आम आदमी पार्टी कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और ईडी के खिलाफ क्या जो खुलासे हैं वो करती है आम आदमी पार्टी, इस पर हमारी नजर रहेगी। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, इनिशियल जानकारियां अभी निकल निकल कर सामने आ रही हैं। 12 ठिकाने दिल्ली के और राज्यसभा के सांसद हैं एनडी गुप्ता, उनके घर पर चल रही है छापामार कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरों के यहाँ पहुंची है और उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, लगभग एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जिस तरीके से जो राज्यसभा सांसद हैं एनडी गुप्ता, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि मनी ट्रेल को लेकर के ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि किस मामले को लेकर के ये छापेमारी हो रही है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। कथित शराब घोटाले को लेकर के ये छापेमारी की जा रही है या कोई अन्य मामला है ये अभी ईडी की तरफ से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर ईडी की रडार पर हैं और जिस तरीके से आज सुबह से छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि आज सुबह 10 बजे वो ईडी के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करने वाली है, और उससे पहले ही जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और लगातार ईडी की टीम एक साथ इन ठिकानों पर पहुंची है और जो छापेमारी की कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। अभी जो नाम निकल के आए हैं उसमें जो राज्यसभा सांसद हैं, जो दूसरी बार आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बने हैं एनडी गुप्ता, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा और भी कुछ सीनियर लीडर हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, लेकिन ये जो छापेमारी की कार्रवाई है वो किस वजह से हो रही है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर ईडी की तरफ से कहा गया है कि मनी ट्रेल को लेकर के ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और कई जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो ईडी के निशाने पर है। और माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल से सीधे जुड़े हुए लोग हैं उन तक भी ईडी की टीम पहुंच रही है। जानकारी मिल रही है कि जो पर्सनल सेक्रेटरी है विभव कुमार उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश हो रही है ईडी की, उनके घर पे भी छापामार कार्रवाई चल रही है। जल बोर्ड के पूर्व सचिव है उनके घर पे भी, यानी कि नेताओं के साथ अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कई सीनियर लीडर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो चल रही है और कुछ ही देर में ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार जो पूरा मामला है वो क्या है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मनी ट्रेल को लेकर के छापेमारी की गई है, लेकिन जो कथित शराब घोटाला है उसको लेकर के ईडी लगातार जांच कर रही है। और आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको भी समन जारी किया गया, 5 समन जारी किए गए। राज्यसभा सांसद पूर्व मेंबर हैं जल बोर्ड के वो, और अरविंद केजरीवाल के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनके ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया एक बार वो भी सुन लेते हैं। चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो उनके फेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं उनको उन्होंने काम पे लगा दिया, पर न कांग्रेस डरने वाली है न कांग्रेस झुकने वाली है और न कांग्रेस इन सब से घबराएगी। हम मुकाबला करेंगे और आने वाली पार्लियामेंट में जनता के सामने ले जाएंगे और परास्त करेंगे भाजपा के इस अहंकार को। तो कांग्रेस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए ये तो स्वाभाविक था कि जो सियासी पारा है एक बार फिर से दिल्ली का वो हाई होता हुआ नजर आ रहा है। बलराम पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, देखिए अब कांग्रेस भी उतर आई है मैदान में और कांग्रेस कह रही है कि ये तो पता ही था कि ईडी और सीबीआई का किस प्रकार से दुरुपयोग केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है और एक बार फिर से ये साबित हो गया। ये कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं का जो दौर है पिछले दिनों वो जारी रहा। इन छापामार कार्रवाई के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा जाता है इस पर नजर रहेगी। बलराम, एक बार फिर से सियासी टेम्परेचर हाई और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी
कांग्रेस की तरफ से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो पता ही था कि ईडी और सीबीआई लगातार उसका दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। बलराम, बिल्कुल, देखिए जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो बार बार इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, और जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और ईडी सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार जो विपक्ष के नेता हैं उनको टारगेट कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करा रही है, जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है, उनके खिलाफ सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं, जो लोग बीजेपी में नहीं जाते हैं उनके खिलाफ इसी तरह से जांच होती है, उन्हें जेल में भेजने का काम किया जाता है। तो जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनके ठिकानों पर हो रही है, उसको लेकर के दिल्ली के अंदर जो सियासत है वो भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ किया है तो आप बच नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से अब विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है, बीजेपी पर हमला बोल रहा है, और आप देखिए चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों, अब लगातार उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये तो पहले से ही निर्धारित था। और जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही सामने आती है इस पर हमारी नजर रहेगी। बलराम, आप बने रहिएगा हमारे साथ।